एक देश दो नदियाँ। 10 साल पहले दोनों नदियाँ नाला बन गई थी, लेकिन 10 साल बाद साबरमती की काया ही पलट गई। अब साबरमती स्वर्ग बन गई, लेकिन यमुना नाला ही रह गई। आखिर ऐसा क्यों? सबसे पहले एक नजर डालते हैं इन दोनों नदियों के विकास पर हुए खर्च पर। 19 साल में 4439 करोड़ खर्च करने के बाद भी यमुना गंदी है, जबकि 10 साल में 1152 करोड़ में साबरमती की काया ही पलट गई और वो आज चमक रही है। सैलानी वहाँ घूम रहे हैं, लेकिन यमुना आज भी मैली है। ऐसा क्यों? जबकि संसद से लेकर सड़क तक यमुना की सफाई का मुद्दा उठता रहा है। दिल्ली में यमुना जी भयंकर रूप से प्रदूषित हो गई, और यही प्रदूषित जल जब मथुरा वृंदावन में जाता है तो न आचमन के योग्य रहता है न स्नान करने के योग्य रहता है। ब्रज क्षेत्र के सभी मंदिरों के ठाकुर जी को इसी प्रदूषित जल से स्नान करने के लिए पुजारी मजबूर हो गए। हजारों करोड़ रुपए की योजना भी बनी यमुना एक्शन प्लान, लेकिन कोई नतीजा आज तक नहीं निकला। वही जिसे कहते हैं कि ढक के वही तीन पात। दिल्ली में आपने 54 से 67 करोड़ रुपया पर किलोमीटर खर्चा किया है ऑन यमुना, 54 से 67 करोड़। तो आपका जो गंगा एक्शन प्लान 1, गंगा एक्शन प्लान 2, यमुना एक्शन प्लान 1, यमुना एक्शन प्लान 2, क्या यमुना रिवाइवल का भी कोई प्लान है? और टुडे इट इज अ हाई टाइम दैट इंस्टेड ऑफ एक्शन प्लान 1 और 2 देयर हैज टू बी अ ट्रांसपेरेंट कमिटेड रिवाइवल प्लान ऑफ यमुना। वजीराबाद बैराज के बाद यमुना में 17 नाले गिरते हैं, नजफगढ़, शादरा और सप्लीमेंट्री ड्रेन, ये यमुना को सबसे ज्यादा गंदा करते हैं। नजफगढ़ नाले से यमुना 64% तक गंदी होती है। 1993 में यमुना को साफ करने के लिए पहला एक्शन प्लान बनाया गया था। ये 10 साल तक चला, लेकिन यमुना को साफ करने में ये प्लान फेल हो गया। दूसरा यमुना एक्शन प्लान 2004 में शुरू हुआ और 2011 तक चला, लेकिन यमुना में आज भी 80% प्रदूषण दिल्ली से निकलता है। सरकार का कहना है कि तीसरा एक्शन प्लान यमुना को साफ कर देगा। इसके लिए 1656 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक यमुना की सफाई पर बहुत बड़ी राशि खर्च की जा चुकी है, और अब ऐसे में आगे की योजना पर भी उम्मीद कम ही है। तो ये तो था यमुना का हाल। अब देखिए साबरमती का हाल, जो कि गंदे नाले से गुजरात की शान बन गई। ये है 10 साल पहले की साबरमती और 10 साल पहले की यमुना। ये किसी नाले की तरह दिखती थी। यमुना आज भी एक गंदे नाले की ही तरह दिखती है और साबरमती स्वर्ग में बदल चुकी है। 11 किलोमीटर के दायरे में फैली साबरमती, जो कभी नाले की तरह दिखती थी, उसकी आज काया ही पलट गई है। जहां लोग पहले जाना नहीं चाहते थे, वहां आज लोग अपने परिवार के साथ घूमने आते हैं। जहां पहले काला पानी दिखता था, वही पानी आज साफ हो चुका है। 1150 करोड़ का साबरमती प्रोजेक्ट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से साबरमती नदी अब अहमदाबाद की शान बन चुकी है। 60 के दशक में अहमदाबाद नगर पालिका ने साबरमती के किनारे शहरीकरण योजना बनाई, लेकिन तब वो कागजों में ही सिमट कर रह गई। उसके बाद 1997 में बना रिवर फ्रंट कॉरपोरेशन बनाया गया और फिर 2004 में प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया। नरेंद्र मोदी ने साबरमती की सूरत बदलने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और उसी का नतीजा है कि आज साबरमती एक नाले से स्वर्ग में बदल चुकी है। कॉरपोरेशन ने नदी के दोनों तरफ सीवर लाइन डाल दी है, जिससे गंदा पानी नदी में न जाकर सीधा सीवर में जाए, और निगम की तरफ से भी सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो देखा आपने साबरमती क्या से क्या हो गई और यमुना वहीं की वहीं रह गई। अब सवाल सिर्फ एक ही उठता है कि इतनी बड़ी राशि को खर्च करने के बाद भी यमुना आज भी मैली क्यों है? आखिर ऐसा क्यों?